सो गाइस अभी हमारे पास फोन आया है रेडमी का और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडमी 9 पावर है शायद मेरे ख्याल से। यहाँ पे इसमें लगा है एमआई अकाउंट, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इसमें एमआई अकाउंट लगा है और इसका एमआई अकाउंट हमें अभी अनलॉक करना है। इस पे पीछे मॉडल लिखा है M2010J19SI, तो ये इसका मॉडल है। तो चलिए इसका एमआई अकाउंट हम अनलॉक करते हैं। तो उसके लिए हमने अपना क्यूसी फायर खोल रखा है क्योंकि ज्यादातर जितने रेडमी का फोन है उसमें क्वालकॉम सीपीयू लगा रहता है। और यहाँ पे हम एक ज्योमी स्पेशल पे हैं और यहाँ पे साइड लोड मेथड से हम ट्राई करेंगे एमआई अकाउंट अनलॉक करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले फोन को करना है स्विच ऑफ और स्विच ऑफ करने के बाद हम इसे एमआई असिस्टेंट में लेके जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फोन तो ऐसे स्विच ऑफ होगा नहीं, आप कितना भी कोशिश कर लो। तो यहाँ पे आपको करना ये है कि इसका वॉल्यूम अप डाउन और तीनों की एक साथ आपको दबाना है और जैसे ही फोन आपका बंद हो वॉल्यूम डाउन की से आपको हाथ हटा देना है। ये देखिए जैसे ही फोन बंद हुआ आपको वॉल्यूम डाउन से की हाथ हटा दीजिए और पावर की और वॉल्यूम अप की दोनों को दबा के रखिए। ऐसा करने से आपका फोन जो है वो डायरेक्ट एमआई असिस्टेंट में चला जाएगा। ये देखिए आपका फोन आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बैक टू मेन्यू आ जाना है और यहाँ पे नीचे आपको देखिए थर्ड नंबर पे आपको दिखेगा ये सारा काम आपका ये बटन से होगा। आपको मैं एक बार और बताऊंगा, आपको तीनों बटन एक साथ दबाना है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर की। और जैसे ही आपका फोन स्विच ऑफ हो आपको वॉल्यूम डाउन से हाथ हटाना है, वॉल्यूम अप और पावर की दबाए रखना है, तब जाके इस प्रकार का लोगो आएगा। इसमें आपको वॉल्यूम डाउन से चले जाना है एमआई कनेक्ट पे और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका एमआई कनेक्ट पे हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें सी टाइप का केबल लगेगा, आपको इसमें लगा देना है केबल। यहाँ पे जैसे केबल लगाएंगे देखिए फोन में कनेक्टेड दिखा दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका एडीबी फोन कनेक्ट हो गया, यहाँ पे गो कर देना है। अब देखते हैं कि हमारा फोन अनलॉक होता है कि नहीं होता है, क्या होता है। एंड फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टीशन वगैरह सब कुछ ओके हो गया है, रिसेटिंग एमआई अकाउंट अभी चल रहा है प्रोसेस। यहाँ पे थोड़ा समय लग रहा है लेकिन देखते हैं अभी यूएमटी इसका एमआई अकाउंट हटा पाता है कि नहीं हटा पाता है। अब ये तो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं एमआई अकाउंट डन हो चुका है और अप्लाई एंटी रीलॉक पैच डन। और अब देखते हैं कि हमारा फोन, यहाँ पे रिबूट कर लेते हैं फोन को और अब ट्राई करके देखते हैं कि हमारा फोन अनलॉक हुआ है कि नहीं हुआ है। एक्चुअली एक दिक्कत आती है यहाँ पे, देखिए अप्लाई एंटी रीलॉक पैच डन दिखा रहा है। एक्चुअली होता ये है कि कई बार हमारा जो फोन होता है वो डाटा कनेक्ट करने के बाद फिर से एमआई अकाउंट दिखाने लगता है। तो अभी हम डाटा कनेक्ट करके चेक करेंगे हमारा एमआई अकाउंट हटा है कि फिर उससे लग जा रहा है, तो ये चीज भी हमें चेक करना जरूरी है। क्योंकि यहाँ ऊपर देखेंगे तो रिसेटिंग एमआई अकाउंट भी डन दिखा रहा है और यहाँ पे अप्लाई एंटी रीलॉक पाथ भी डन दिखा रहा है। तो अब ये चीज हमें चेक करना पड़ेगा जब फोन खुलेगा तब। तो चलिए हम चेक करके देखते हैं। तो अभी तो फिलहाल हमारा फोन जो है वो ऑन हो चुका है और अब देखते हैं कि हमारे फोन में एमआई अकाउंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी एमआई अकाउंट हट गया है तभी जाके फोन खुला है, बाकी आगे का प्रोसेस करने के बाद हमें समझ में आएगा। अभी इसमें एफआरपी लॉक है, शायद आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इसमें एफआरपी लॉक आपको दिख रहा होगा। तो एफआरपी लॉक आप दो तरीके से हटा सकते हैं, एक तो यहाँ साइड लोडर से फिर हटा सकते हैं। तो चलिए हम एक बार इसको एफआरपी लॉक भी हटा लेते हैं। तो यहाँ पे हमको फिर से फोन को करना पड़ेगा स्विच ऑफ, यहाँ पे कर लेते हैं पावर ऑफ और फिर से आपको क्या करना है, पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ दबाना है और आपका फोन फिर से जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे चले आना है एमआई कनेक्ट में, फिर से यहाँ पे आपको ओके कर देना है और यहाँ पे आपको इसका एफआरपी हटा लेना है। तो एफआरपी में भी कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे केबल कनेक्ट करिए और फिर से वही प्रोसेस, यहाँ पे जाइए यहाँ पे एफआरपी पे इस बार और यहाँ पे गो कर दीजिए। अभी आप देख सकते हैं इसका एफआरपी डन हो चुका है और हमारा फोन भी खुल चुका है। तो एफआरपी का भी काम हो चुका है, अब आपका फोन आसानी से अनलॉक हो जाएगा। अभी हम सबसे पहले डाटा कनेक्ट करके चेक करने वाले हैं कि क्या हमारे फोन का जो एमआई अकाउंट है वो परमानेंटली रिमूव हुआ है या फिर टेम्पररी हुआ है। तो उसके लिए हमें फोन को खुलने का वेट करना पड़ेगा एंड इसके बाद से आपको हम बताएंगे आगे का प्रोसेस। तो जब तक आप लोगों से मैं कहूंगा कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो, नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहे।
वीडियो बनाने में आपको भी पता है बहुत मेहनत लगती है, कस्टमर के सामने सारी चीजें करनी पड़ती है, तो इसलिए बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं नॉर्मल सा प्रोसेस कर रहा हूँ, जो नया फोन लेते हैं उसको हम खरीदते टाइम, ये स्किप नेक्स्ट करके चालू कर लेता हूँ, इसके बाद मैं इसको वाईफाई से कनेक्ट करूंगा। तो हमारा सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो फोन है, यहाँ पे FRP वगैरह हमने सब कुछ यहाँ पे अनलॉक कर लिया है और अब देखते हैं कि हमारा फोन का आगे का प्रोसेस क्या है। तो अभी हमारा जो फोन है इसका पासवर्ड वगैरह सब कुछ MI अकाउंट सब हट चुका है, अब यहाँ पे हम डाटा कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक वाईफाई है, हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे देखिए वाईफाई का सिंबल आपको दिख रहा होगा कनेक्टेड। और अब देखते हैं कि हमारा थोड़ी देर वेट करके कि हमारा MI अकाउंट लगता है कि नहीं लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा MI अकाउंट नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि हमारा MI अकाउंट जो है वो परमानेंटली अनलॉक हुआ है। और चलिए एक बार हम इसे स्विच ऑफ करके भी देख लेते हैं, क्या पता उसके बाद अनलॉक हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसको बंद करके चालू किया, तो अभी तो नहीं लगा है, सब कुछ ओके है। चलिए एक बार पावर ऑफ करते हैं, इसे डाटा कनेक्ट करके ही पावर ऑफ करके देखते हैं। फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फोन का परमानेंटली MI अकाउंट अनलॉक हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा कनेक्ट है, फिर भी हमारा MI अकाउंट नहीं लग रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और इसी प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।